हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर। तो दोस्तों, अब इस मोड़ पे आके मुझे लगता है ऑलमोस्ट 70% लोग ये मान चुके हैं कि बिटकॉइन एक बेरिश साइकिल में है। ये मार्केट बेरिश है, स्टॉक मार्केट की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है। लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो मैं बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं हूं। ओके, अब चाहे तुम उसे मेरी जिद कहो, बेवकूफी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी चीज तुम्हें बताना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, और फिर तुम मुझे बताना कि ये हम लोग सच में बेरिश मार्केट में है राइट या फिर नहीं। ओके, तुम अगर देखते हो तो अभी तक, मैं स्पेसिफिकली क्रिप्टो मार्केट की बात करता हूं, मैंने अगर गोल्ड देखा है तो पिछले 1.5 साल में गोल्ड का प्राइस हिला भी नहीं। ओके, 1.5 साल छोड़ दो, हम एक काम करते हैं। अगर मैं गोल्ड 2020 में मार्केट क्रैश आया था बहुत जबरदस्त, ओके, वहां से भी अगर हम लोग गोल्ड देखते हैं तो मैं एक बार ये इंडिकेटर बंद करता हूँ, तो मेरे भाई ये रहा मार्च 2000 या अप्रैल 2020 जहां पे वो गोल्ड का क्रैश आया था। ओके, वहां से अभी अगर तुम देखते हो तो गोल्ड 44,000 और 50,000, तो कितने परसेंट का इसने तुम्हें यहाँ गेन दिया? तो अगर तुम देखो तो 10 से 11%, सिर्फ और सिर्फ 10%। 2 साल के बाद भी, 2 साल उसमें पैसा रखने के बाद मुझे गेन मिल रहे हैं 11%। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 7% हर साल, मतलब मुझे 14% जो है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए थी या प्रॉफिट चाहिए थे मेरा पैसा बचाने के लिए। तो चलो, गोल्ड ने तुम्हें वो नहीं दिया, तो इसका मतलब गोल्ड तो ढंग की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ओके, अब हम लोग जो है एक बार स्टॉक मार्केट देखते हैं। तो अगर तुम सेंसेक्स देखते हो, ओके, बहुत से लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी एकदम फुल बेरिश जोन में है सब, वो समझ में भी आता है। ये था 2020 का क्रैश। ओके, कितने 25,000 पे था सेंसेक्स, फिलहाल हम लोग 52,000 पे है। 100% के गेंस, 100% के गेन्स। ओके, अब ये तुम्हें जो गेन्स है 2 साल में मिले स्टॉक मार्केट में, ओके, बहुत बढ़िया। अब गेन्स तो दे दिया भैया उसने 100% के, लेकिन अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक कितने परसेंट डाउन है? 14%। ओके, तो अब तुम बताओ, स्टॉक मार्केट अगर 14% डाउन है तो मैं इसे बेरिश मार्केट बोल दू? नहीं यार, ये सोचना भी बेवकूफी। अगर 2 साल में तुम्हें किसी चीज ने, मतलब चीज या जो भी, अगर तुम बोलो स्टॉक मार्केट ही बोलते, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में 100% के गेन्स दिए और सिर्फ 14% के गेन्स जो है, या तुम्हें उसने लॉसेस दिए 14% के, तो क्या वो बेरिश मार्केट हुआ? नहीं, इसे करेक्शन बोलते हैं। ओके, इसको बिल्कुल भी बेयर मार्केट नहीं बोलते। अब ये तो हुआ स्टॉक मार्केट, अब हम लोग एक बार जरा बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। ओके, अब ये रहा बिटकॉइन और ये रहा तुम्हारा वो 2020 का क्रैश, 4,000 पे था बिटकॉइन। यहां से अगर तुम बिटकॉइन देखते हो तो गोल्ड ने तुम्हें 10%, स्टॉक मार्केट ने 100%, और यहां अगर तुम देखते हो, चलो मैं क्रैश पे ही लेता हूं, क्रैश तक भी अगर मैं ले रहा हूं 30,000 तक, तो मुझे 620% के गेन्स मिले हैं। ओके, 620% के। और अगर हम लोग टॉप तक देखें तो मेरे भाई ये 1600% के गेन्स थे। ओके, अब 1600% के गेन्स के बाद बिटकॉइन ने तुमसे गेन्स जो है वो छीन लिए कितने? 60%। 1600% के गेन्स देके 60% उसने तुमसे वापस लिया, तो तुम इसे बेरिश मार्केट बोलते हो? बिल्कुल भी नहीं यार। देखो, हमें ना पहले ये वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी। कोई भी, देखो मैं भी तुम लोगों की तरह ही था, मुझे भी मार्केट में आए 2-2.5 साल ही हुए हैं। ओके, बहुत लोग ऐसे हैं जो 20 साल से है, 25 साल से है, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-4 महीने से आए हैं और आके ये बोल रहे हैं कि ये बेरिश मार्केट है या ये बुलिश मार्केट है। तो ऐसा नहीं होता। बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट देखने के लिए तुम्हें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। ये है तुम्हारे बिटकॉइन की मार्केट। कौन बोलता है ये बेरिश मार्केट है मुझे बताओ मेरे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कहां से बेरिश मार्केट है? ट्रेंड एकदम क्लियर है, अगर तुम्हें थोड़ी करेक्शन आई है तो उसको हेल्दी करेक्शन बोलते हैं। और मार्केट में करेक्शन क्यों जरूरी है तो मैं वो भी समझाता हूं। अगर बिटकॉइन का प्राइस 70,000 पे होगा,
और तुम अपने किसी मामा चाचा को बोलोगे, मामा चाचा छोड़ दो, मैं तुम्हें मेरी उदाहरण ही देता हूं। 2015 में, 2015 की बात है, यहां मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, भाई मैं और मेरा दोस्त हम दोनों मिलके आधा आधा बिटकॉइन खरीद रहे हैं, उसका करंट प्राइस है 50,000 रुपए, तू लेगा क्या? मैंने कहा यार ऑलरेडी 50,000 है उसका प्राइस, वो और आगे क्या जाएगा, मैं बाय नहीं करूंगा। ओके, अब जब किसी चीज का प्राइस हमेशा इतना ऊपर होता है ना, तो उसे कोई बाय नहीं करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत महंगा है। लेकिन जब वही 50,000 की चीज 40,000 पे आई, मेरे दोस्त ने मुझे फिर पूछा, अरे ये 40,000 पे आया है तू बाय करेगा क्या? तब मैंने सोचा यार बाय करना चाहिए, और मैं ये रुपए की बात कर रहा हूँ। तो इतना सस्ता था बिटकॉइन, बट मैंने बाय नहीं किया क्योंकि तब मेरी नौकरी लगी थी, इतनी समझ नहीं थी, सैलरी 25,000 कुछ महीना थी, तो मैंने बाय नहीं किया। मैंने सोचा यार इसमें पैसा डालने से अच्छा मैं आईफोन खरीदता हूँ। लेकिन अगर तब मैंने डाला होता तो शायद आज उसी आधे बिटकॉइन से मैं 10 iPhone ले लेता, राइट? लेकिन नहीं, 10 भी नहीं, 30 iPhone आ जाते यार, 30 iPhone सिर्फ 7 साल में। लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बोलेगा ना यार बिटकॉइन बाय कर ले $60,000 का है, तो तुम शायद मना कर दो कि नहीं महंगा है। अब वही तुम्हारा दोस्त तुम्हें बताएगा अरे बिटकॉइन $30,000 का है, वो बोलेगा यार 60 का था अब 30 का मिल रहा है, ठीक है मैं बाय करता हूँ। अब इसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोलेगा अरे 60 से 30 पे आया, 30 से और नीचे गिर जाएगा, दूसरा जो समझदार इन्वेस्टर होगा ना वो यही बोलेगा 50% ऑफ पे मिल रहा है भाई बाय करो, ये एक अच्छा डिप है, ये बेरिश मार्केट नहीं है। ओके, अब ये तो बात हुई कि बेरिश मार्केट है या नहीं है, तुम जरूर ये सोचना और जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अब दूसरी चीज, क्यों मुझे लगता है कि यहां से बिटकॉइन जो है वो अब रिवर्स होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर तुम ये इंडिकेटर देखते हो तो ये इंडिकेटर है भैया हमारा लॉगरिथमिक कर्व्स, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। अब जब भी बिटकॉइन ये लॉगरिथमिक कर्व्स के लोअर बॉटम पे आया है ना, ये लोअर बैंड पे, वो हमेशा बिटकॉइन का जो है वो बॉटम रहा है। ओके, ये तुम 2012 में भी देख सकते हो, 2013 में भी देख सकते हो, 2016 में भी देख सकते हो, इनफैक्ट 2000 ये जो बेयर मार्केट थी उसमें तो हम लोग बेयर मार्केट अगेन मैं नहीं बोलूंगा, बेयर ट्रेंड जो था उसमें हम लोग इसी को हग करके आगे बढ़ रहे थे। ओके, अब हम लोग अगर बात करें तो 2020 की, और उससे पहले भी तुम देख सकते हो 2018 मार्केट बॉटम, 2020 हमने इसको ब्रेक किया, उसके नीचे आए, नीचे आके हम लोगों ने काफी देर तक कंसोलिडेट किया। अब नीचे आके कंसोलिडेट क्यों किया, वो वजह आप सबको पता है, दुनिया ने पहली बार वैसी सिचुएशन देखी थी। ओके, अब उस सब के बाद हम लोग फिर से एक बार इसी बैंड के नीचे आए हैं। ओके, और तुम वही देखो, जितनी बार भी तुम इस बैंड के नीचे आए हो तो तुम हमेशा बॉटम के पास रहे हो मार्केट के। ओके, कभी बॉटम इमीडिएटली आ गया है, कभी बॉटम ने थोड़ा टाइम लिया है, बट मेरे भाई ये एक्सट्रीम बॉटम होता है बिटकॉइन का। ओके, और यहाँ पे भी मैं तुम्हें वही कहना चाह रहा हूँ, ये बॉटम ही है। अगर हम लोग ये सोच रहे ना और डिप आएगा, बिटकॉइन 20,000 तक जाएगा, बिटकॉइन 22,000 तक जाएगा, मेरे भाई 20-22 यहाँ से हार्डली 3-4% नीचे है। मैं गेन्स तुम्हें बोल रहा हूँ 1,30,000 के, जो यहाँ से और 500% ऊपर है। तो तुम्हें यही सोचना है कि तुम्हें वो डिप का वेट करना है, या तुम्हें ये सोच के डरना है कि वो डिप आएगा, या तुम्हें ये सोचना है कि वो बेरिश मार्केट है, या तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना है। वेल्स इस मौके का फायदा उठा रही है, राइट? और मुझे आगे जाके वेल बनना है, और मैं वही चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रॉफिट ट्रेडर्स परिवार जो है ना वो एक वेल ही बने, हम लोग छोटे ट्रेडर्स या रिटेल बन के ना रह जाए। इसीलिए मेरी ये सोच है और यही सोच मैं तुम्हें भी देता हूँ। ओके, और अगर तुम्हें ये सोच अच्छी लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, बुरे वक्त में बुरी चीज बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन बुरे वक्त में अच्छी चीजें दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सो मेक श्योर उन्हीं लोगों का साथ दो और उन्हीं लोगों के पीछे रहो। ओके, और अगेन, हम सब लोगों ने हमारी फुल रिसर्च की है बिटकॉइन पे यार, हमें पता है बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, हमें पता है बिटकॉइन क्या है। इस आदमी ने अपना ट्विटर छोड़ के
ब्लॉक के ऊपर काम करना शुरू किया, आज देखो उसने जब पूरी मार्केट की बैंड बजी हुई है, सिर्फ इस आदमी ने 43 मिलियन डॉलर्स के जो है वो प्रॉफिट्स कमाए हैं पहले क्वार्टर में। ओके, तुम देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ कैश ऐप, बिटकॉइन कार्ड, कल हम लोगों ने एक गोल्ड कार्ड की बात की कि ये सब इस पे ये काम कर रहे हैं, और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, और इनफैक्ट हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन और शुरू होगा, मेरे भाई तुम अपने बैंक्स को बाय बोलना शुरू कर दो। ओके, और अगेन बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम पैसा देखो बैंक में नहीं रख सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं रख सकते हो, वो यहाँ है वजह। ओके, तुम इंडिया में भी अगर आज की डेट में बैंक में पैसा रखते हो ना, तो तुम्हें एफडी रेट 6% मिलता है, 6 भी बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन जो है वो 7.5-8% है जो ऑन पेपर्स गवर्नमेंट बोलती है। तुम मुझे बताओ जो दूध का पैकेट तुम आज से एक साल पहले जितने का बाय करते थे, आज कितने का करते हो, सिलेंडर पेट्रोल कुछ कुछ भी बात करो, तो चाहे गवर्नमेंट 8% बोल रही, बट तुम्हें लगता है ये सब चीजों का दाम 8% के हिसाब से बढ़ रहा है? नहीं, तो तुम तुम्हारा पैसा गवा रहे हो, लेकिन तुम्हें वो नहीं चुभेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम पैसा गवा रहे हो, लेकिन जब तुमने बिटकॉइन में पैसा डाल दिया, बिटकॉइन वहां जो है 50% करेक्शन आ गया, तब भैया ये तो मेरा पैसा डूब गया, मैं क्या करूं, ये है वो है, बट यार बिटकॉइन रिकवर करेगा, बट जो तुम्हारा पैसा बैंक में है ना वो कभी रिकवर नहीं करने वाला। ओके, सो समझदारी से इन्वेस्ट करो, और अगर इन्वेस्ट किया है समझदारी से तो उस पर थोड़ा विश्वास रखो, लूना जैसे झटके आ सकते हैं। ओके, लेकिन इन्वेस्टमेंट वही होता है, तुम देखो तुम पैसा सेव कर लो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, तुम पैसा गवाओगे ही और वो जाता जाएगा, लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तब तुम उसमें तब तुम उसमें ऐसे 1600% के गेन्स भी लेते हो। ओके, और उसके बाद वो गेन्स के बाद तुम ऐसे 50% के लॉसेस भी लेते हो, 60% के। सो ये दोनों चीजें आती है, बट यहाँ और रिटेलर्स आएंगे, यहाँ और वेल्स आएंगी, यहाँ और इंस्टीट्यूशन आएंगे, तो ये गेन कल को मान लो 600% का नहीं होता, ओके, लेकिन सिर्फ 300-400% या 800% का भी, 1600 का नहीं होता, मैं वही कह रहा हूं, मतलब अगर 500-600 का भी होता है तो तुम लोग 2 लाख के पार चले जाओगे, 2 लाख डॉलर्स के पार, राइट? सो मैं वही कहूंगा यार, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें, ताकि हमारा जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा वीडियो जो है वो देख सकें। ओके, और इसके अलावा हमने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ये सब एक्सचेंजेस के लिंक्स रखे हैं, तो प्लीज इन एक्सचेंजेस के लिंक्स को यूज करके ही अपने अकाउंट्स बनाएं, क्योंकि अभी हम लोग आपको जो भी ऑल्ट कॉइन्स बताएंगे तो वो शायद हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग रेडी है अकाउंट्स के साथ। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज उनको भी ज्वाइन करें, यहाँ पे आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल रहेगा हमारे वीडियो के रिकॉर्डिंग। तो चलिए, हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।